हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके पहले के एपिसोड यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा नाम श्रवण आर्य, शुरू करते हैं। इस वाक्य की पहचान इस तरह से होती है कि वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे आता है और वाक्य भविष्य काल में चल रहा है। इससे मैंने उनको मैंने फॉर्मूला इस तरह से होगा कि सब्जेक्ट के साथ में शैल भी या तो विल भी लगेगा, प्लस वर्ब वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। और शैल भी और विल भी किसके साथ आएगा, जैसे कि आई और वी के साथ शैल भी लगेगा और बाकी सभी यानी कि यू, दे, ही, सी, इट और नेम के साथ में विल भी लगाएंगे। नेगेटिव लैंड बनाने का हमारा फॉर्मूला इस तरह से होगा, इसमें शैल नॉट भी या तो विल नॉट भी यूज़ करेंगे। और इंटरोगेटिव लाइन बनाने का फार्मूला हमारा होगा, हम इस लाइन की शुरुआत शैल या तो विल से करेंगे। अब हम लाइन बनाना सीखते हैं। जैसे कि पहला लाइन है, मैं पत्र लिख रहा हूँगा, तो मैं यानी आई हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ में शैल भी लगाना है जैसे फॉर्मूले के हिसाब से, प्लस क्रिया की पहली अवस्था यानी राइट, उसके साथ में आईएनजी लगाना है, प्लस अ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस लाइन में जाता है आई शैल बी राइटिंग अ लेटर। उसी से दूसरा लाइन लेते हैं, वे क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो वे यानी दे हमारा सब्जेक्ट है, प्लस उसके साथ में विल भी लगाना है, प्लस क्रिया की पहली अवस्था यानी प्ले, उसके साथ में आईएनजी लगाना है, प्लस क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट। उसी तरह से हम तीसरा लाइन लेते हैं, सीता स्कूल जा रही होगी, तो सीता हमारा सब्जेक्ट है, उसके साथ में विल भी लगाना है, प्लस क्रिया की पहली अवस्था गो के साथ में आईएनजी लगाना है और प्लस ऑब्जेक्ट हमारा टू स्कूल है, तो लाइन बन जाता है सीता विल बी गोइंग टू स्कूल। उसी तरह से हम एसर्टिव यानी सकारात्मक वाक्य बना सकते हैं। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूँगा, आई शैल बी राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र लिख रहे होंगे, यू विल बी राइटिंग अ लेटर, हम पत्र लिख रहे होंगे, वी शैल बी राइटिंग अ लेटर, वे पत्र लिख रहे होंगे, दे विल बी राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, सीता पत्र लिख रही होगी, सीता विल बी राइटिंग अ लेटर। जैसे हम नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य बनाना सीखते हैं, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र नहीं लिख रहे होंगे, यू विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, हम पत्र नहीं लिख रहे होंगे, वी शैल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वे पत्र नहीं लिख रहे होंगे, दे विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख रहा होगा, ही विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, और सीता पत्र नहीं लिख रहे होंगे, तो सीता विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। इसी तरह से हम इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य बनाना सीखेंगे। ये क्या मैं पत्र लिख रहा हूँगा, तो शैल आगे रख देंगे, शैल आई बी राइटिंग अ लेटर, क्या तुम पत्र लिख रहे होंगे, विल यू बी राइटिंग अ लेटर, क्या हम पत्र लिख रहे होंगे, शैल वी बी राइटिंग अ लेटर, क्या वे पत्र लिख रहे होंगे, विल दे बी राइटिंग अ लेटर, और क्या वह पत्र लिख रहा होगा, विल ही बी राइटिंग अ लेटर, और क्या सीता पत्र लिख रही होगी, तो विल सीता बी राइटिंग अ लेटर। दोस्तों, टेंसेस पर मैंने टोटल 11 वीडियो बनाए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।